हेलो दोस्तों, मोइसिस के चार्ट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पेपर स्टैम्प की अनबॉक्सिंग, जो कि ब्रिस्टो ब्रांड का है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ साथ आल पेंसिल शेड्स को ब्लेंड करके दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इन्हें कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं हमारे पेपर स्टैम्प। ये 5 पीस होते हैं, किसी ब्रांड में 5 पीस होते हैं, किसी ब्रांड में 6 पीस होते हैं। ये ब्रिस्टो ब्रांड का, तो इसमें 5 पीस हैं, अदरवाइज अदर कंपनियों में 6 भी होते हैं। ये 1 to 5 नंबर या 1 to 6 नंबर टाइप होते हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए ब्रांडिंग करके आपको बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हम सभी पेंसिल्स की शेड ले लेते हैं। नॉर्मली तो इसका प्राइस 149 है, पर मुझे ऑफ़र लेकर डिस्काउंट के साथ ये मुझे 122 अराउंड पड़ा था। आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। इन सभी पेंसिल के हमने शेड्स ले लिए, अब हम इन्हें ब्लेंड करके दिखाएंगे। देखिए ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम, हमारे शेड्स कितने स्मूथ हो रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं हमारी पेंसिल शेड्स कितने स्मूथ हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपने स्केच में अपनी शेडिंग्स को ब्लेंड कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।